अच्छा दिखा आप आए। दरवाजे में ठहरे ठहरे चार बातें कर लेके आ जाएंगे बोल के आई थी मैं। अब दरवाजे पे 3-4 घंटे ठहरना अच्छा नहीं दिखता ना। सलाम अलैकुम। कहीं को आ रहे लाला तू? नहीं अम्मी बोले मेरे को आप जा रहे फरा के घर को, तू भी जा बोले। कहीं को तेरी अम्मा को भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? नहीं वो आप रहते रहते जरा फ्रेम में से आउट हो जाते ना तो अम्मी बोले तू गए तो जरा सही रहता बोल, इसलिए मैं आ गया। नहीं तो भी तेरी अम्मा बहुत काना भरती। वो जरा बुला लिए तो फरा को बात कर लेके चले जाते थे हम लोग, बहुत कामा है। हाओ हाओ। नहीं थोड़ा सा रील बना रही हूँ। हाँ नहीं 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 जूस जूस बना रही हूँ। हाँ अच्छा 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 अच्छा। और बेटा तैयारियाँ कैसे चल रहे हैं आपके? चल रहे हैं आंटी, अब क्या है वो सबको रुखे देना है, हर घर को जा जाके देना है समझिए। मैं सुनी आपके कुछ दोस्त अमेरिका से भी आ रहे हैं। हाँ वो मेरा एक पीटर बोल के दोस्त रहता अमेरिका में, उन्हें आ रहा, असल उसकी भी शादी परसों ही हुई तो उन्हें वाइफ के साथ आ रहा। अरे रे अच्छा अच्छा। असल उसको क्या है मालूम, वो इंडियन शादी देखने का बहुत शौक है। उन लोगों की शादियाँ बहुत लाइट रहते ना, 15-20 जने आते लाइट कर देते, और हमारे पास जैसा 1000-1500 लोगों का होता ना वैसा नहीं रहती ना उन लोगों की शादी। हाँ हाँ। उसकी उसकी शादी में उसके बाबाज नहीं है मालूम। कहीं को नहीं, एक्चुअली वो क्लैश हो गया था उस दिन, उसके बाबा की भी शादी थी। चुप बैठ रहे, क्या दीवाने बातें करता? जी जी आ गई फरा, आ गई। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आ रहा आप लोगों का। और बेटा कैसा चल रही है आपकी तैयारी? हाँ आंटी हो गई सब तैयारी, आईडी पूरी डीएक्टिवेट करके सिम तोड़ देना है। हाँ हाँ। नहीं नहीं मतलब नाम चेंज होता तो सिम भी चेंज होना ना। हाँ 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 हा। दिना जैसा खरीब आ रहे, कामा तो जरे भी नहीं हो रहे मालूम। हाँ इसको मैं इतने बार बोलती हूँ सुबह जल्दी उठ, कामा होते हुए तो सुनता नहीं बच्चा, 10 बजे उठता है मालूम। अब तुम्ही चाहे बात सुधरता ही क्या है कि नहीं? 10 बजे उठते आप? हाँ। इतनी जल्दी उठ के क्या करते आप? आपकी बच्ची को रात में जगने की आदत है क्या, और सुबह लेट उठने की आदत है क्या? नहीं नहीं सुबह जल्दी उठ के पूरे कामा करके सो जाती बच्ची हमारी। कौन मैं? बेटा आपको मालूम हम लोग बहुत अरमानों से ला रहे मालूम, बहू को आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती, हमारे को बहू नहीं होना वहाँ को बेटी होना है। जी 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 जी। हमारे घर में क्या है आए दिन मेहमान आते जाते रहते, जरा देख लेना। स्पेशली फूफा बहुत रुस्ते बा। नहीं नहीं वो क्या है नए नए दुल्हना जरा नखरे करते, नई नई शादी हुई ना अभी सिकरी बोल के, हमारे पास ऐसा नहीं चलता। जी 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 जी। वैसे तो हमारे घर में 4 बहुआं हैं, लेकिन क्या है वो 2 US में है, 1 बहू खतर में है, तो अब क्या है पूरी जिम्मेदारी आप पे रहती। हाँ। और क्या है वो एक ही शहर में मायका, एक ही शहर में ससुराल बोले तो बहुआं बार बार घर को जाती हूँ घर को जाती हूँ बोलते तो वो नहीं होता हमारे पास, क्या है वो तो फिर घर संभालने कोई भी नहीं रहते ना। हाँ। और हमारे पास क्या है बोले तो बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है भाई, वो 6 बजे उठ जाना रहता देखो सुबह में। हाओ। और आपको पकवान मेकअप कपड़े वपड़े सी लेने तो आता ही छूंगा ने। ठहरो। जी 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 जी। बाकी तो आपको अम्मी अच्छी तरबियत दिए छूंगे, कैसा बड़ों की खिदमत कर लेना, शोहर को कैसा देख लेना, पकवान वगैरह सब। ठहरो जरा मैं कुछ पूछूं अब? नहीं 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 आप बिल्कुल पूछ सकते, पूछिए। हाँ हाँ पूछो पूछो। माफी चाहती हूँ लेकिन आप बच्ची ऐसी देख रहे हैं या अपने बच्चे को भी तरबियत दिए अपनी बीवी के साथ कैसा रहना सो? हाँ हाँ हाँ। तो फिर आते कि दूसरे दिन से इनो मेरे हिसाब से रहना, नहीं कली शादी हुई सिकरा देखरा ये सब नहीं चलता। वो कैसा होता, थोड़ा तो टाइम लगता है ना, पहली बार दूल्हा बन रहा बच्चा मेरा। आप फिर क्या मैं हर जुम्मे को दुल्हन बनती हूँ, मेरे को भी टाइम लगता सेट होने। बात तो सही है
और आपके बातों से ऐसा लग रहा आप मैं आते कि जो है काम वाली धोबन को सबको निकाल देने वाले। अब बोल दिया ना ऑलरेडी, हिसाब भी हो गया। तू चुप रे। और आपको अगर ऐसा लग रहा कि मैं शादी के दूसरे दिन ही आके सब संभाल लूंगी, सास ससुरे का ख्याल रख लूंगी, खाना पका लूंगी, शौहर का ख्याल रख लूंगी, मेहमानों का ख्याल रख लूंगी, तो सॉरी, मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। देख रहा कितनी एडवांस है। और कोई माँ बाप ना अपनी बच्ची से इतना काम नहीं करवाते जितना ससुराल में उससे करवाते। सो अब हमारे से कुछ तो भी ऊंच नीच हो जाएंगी। दूसरे दिन आप उठा के हमारे अम्मा बाप को फोन कर देके पूछते क्या तरबियत दी बच्ची को बोल के, तो सीखने के वास्ते टाइम लगता। छेड़ लिया ना आप। आपका बच्चा हमारे को सता तो मैं किसको शिकायत करूं? अम्मा बाबा को फोन करके तो बोल नहीं सकती क्योंकि शौहर की इज्जत चले जाती, और आपको बोले तो आप यकीन नहीं करेंगे। और मैं एक शहर में रहके हमारे अम्मा बाबा के घर को कहीं को नहीं आना बार बार। जैसा आपको आपका बेटा प्यारा है वैसी मैं मेरे अम्मा बाबा को प्यारी हूँ। मेरे अम्मा बाबा को मेरी याद आएंगी या मेरे को मेरे अम्मा बाबा की याद आई तो मैं आती हूँ। बात तो सही है। लट्टू हो गया तो आप मेरे आदतों के बारे में पूछ रहे, आप जरा अपने बच्चे की आदतों के बारे में बताइए। जब बोले जब जहां बोले वहां खुजाता क्या, महफिल में बैठ के नाक में उंगली फिराता क्या, खाना खाते बो बोल के डकार लेता क्या, और क्या खाली जुमे जुमे को नहाते क्या? इनो नहीं, जब जब नहलाता नहाता चार दिन में एक बार। और आप बहू नहीं बेटी हो ना बोल रहे, तो ठीक है आप अपने घर के डिस्कशनों में इन्वॉल्व करते मेरे को, या फिर नहीं बड़े बात कर रहे बोल के चले रहो बोलते। मेरे को तो अम्मी रोज बोलते जा रहे अब वो इस तेरा घर है तेरे को वहीं रहना है बोल के। अब मैं वहां के अगर अपने हिसाब से कुछ तो भी करूंगी तो फिर आप ये तो नहीं बोलेंगे वो सब अपने अम्मा के घर में कर लेना बोल के। और वो जो 6 बजे उठने का है वो सिर्फ बहू पे लागू है ना, बाकी के मेंबर्स भी उठते। आपकी बेटी उड़ी आती 6 बजे? उन्हें तो सोती 6 बजे। तू चल रहे घर को, तू चल। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बहू नहीं एक काम वाली, एक धोबन और एक बावर्ची होना है। नहीं वैसा नहीं। और आप अब तक 4 मरतबा फोन पे बोल चुके हम तो जहेज नहीं ले रहे ना, हम तो जहेज नहीं लेना ना बोल के, तो आपको जो भी होना है वो लिस्ट दे दीजिए। मैं वहां आने के बाद हर 4 दिन को नहीं सुनना चाह रही हूँ तो मम्मा के घर से क्या आला है, तो मम्मा के घर से क्या आला है बोल के। क्या बोल? जी 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 जी, मेरी बच्ची को अच्छी तरबियत दी मैं। ठीक है फिर सांचक में मुलाकात हुएंगी, क्या है मैं छोटा मोटा कर लेंगे सोची कहीं कुछ आप लोगों पर बर्डन बोल के। हाँ हमारी तरफ से 200-300 लोग आते होंगे, सिर्फ घर के लोगों को बुला रहे हम लोग। ठीक है कोई बात नहीं। और क्या है हमारे लाला के फूफा जो है बहुत बड़े शायर है, तो सांचक में उन्होंने महफिल जमाएंगे, तो आप लोग भी जरा तैयारी से आइए। फिर तो मज़ा आएगा, मेरे खानदान में भी बहुत है खवाल। तो फिर महफिल बैठेंगी उस दिन खवालों की और शायरों की। हाँ मज़ा आता। चलिए फिर चलते हम लोग। ठीक है चलेंगे। हाँ अरे कुछ खा के जाना था बेटा, मैं मंगाई कुछ। अरे नहीं नहीं बच्ची को देख ली ना, पेट भर गया मेरा। जो ने सोची वो नहीं सुने आप, वरना बदहजमी भी हो जाती थी। चलो